हेलो हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ माय न्यू वीडियो फ्रॉम निम्स यूनिवर्सिटी। इट्स अ काइंड ऑफ व्लॉग जो कि हमारा होने वाला स्पर्धा की तैयारी के लिए, जो कि काफ़ी लेट आया। इवन ये 2 से 3 मंथ लेट आया जब हमारा स्पर्धा हुआ था उसके बाद। और दिस इज़ माय फेवरेट बैच बीबीए का, जो फर्स्ट ईयर का बैच है, ये वही बैच मेरे सामने बैठा है। इनसे हमने कुछ डिस्कशन किया, उनको हमने मोटिवेट किया, उनको कन्वर्ट किया नॉन पार्टिसिपेंट से पार्टिसिपेंट के लिए, और लेवल ऑफ जोश आप देख सकते हैं इनके अंदर। तो भाई इस तरीके से इन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी लोगों ने उसके बाद रजिस्टर भी किया। और ये पूरा क्लासरूम है जो आप देख रहे हैं, ये बीबीए के जो नए स्टूडेंट्स आते हैं या फिर एमबीए के स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ये क्लासरूम्स होते हैं। और ये कुछ हमारा इंटरेक्शन चला इस तरीके से, जिनमें कुछ क्वेरीज थे, कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ मोटिवेशंस थे जो हमने उनको दिए, और उन्होंने हमारी बात मानी भी, रजिस्टर भी किया। काफ़ी बच्चों को इंजरीज भी हुई, और देखो मैंने किस गंदे तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि भाई रजिस्टर करो। और ये कुछ बच्चे थे जिन्होंने रजिस्टर किया है, और कुछ बच्चे जो थे उन्होंने और आगे बढ़ चढ़ के रजिस्टर किया। इसी डिस्कशन में हमें हमारी कली मैम हमें ज्वाइन करते हैं। ये फाइनली हमने टचअप दिया, और ये मेरे बैचमेट है जिन्होंने पूरे कॉलेज को संभाला कि वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करे, कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसी बीच हमें कुछ जूनियर्स भी मिलते हैं जिन्होंने हमसे पूछा कि भैया हम क्या खेल सकते हैं, हम किस तरीके से गेम खेल सकते हैं। तो उनको हमने समझाया कि आप इस गेम में सूट होने वाले हैं, ये आपके लिए कम्फर्टेबल होगा, ये नहीं होगा। और फिर हमने अपना निशान दिखाया NIT की तरफ, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसके मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रहे हैं। और यहाँ हमारा कुछ सामना होता है महान क्राउड के साथ, जो है बीटेक का फर्स्ट ईयर का बैच। और ये कुछ एंट्रेंस है इंजीनियरिंग कॉलेज का, और आपको आगे आके दिखने वाले हैं लेक्चर थिएटर्स जिनमें अलग अलग लाइक बैचेस बैठते हैं बच्चों के। और ये कितना भरा चौड़ा रूम है भाई इनका, क्राउड सिस्टम। इनसे हमारा इंट्रैक्शन हुआ जिनमें हमने उन्हें समझाया कि आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करें। यू वॉज द विनर लास्ट टाइम, सो हाउ कैन यू परफॉर्म अगेन द बेस्ट। तो ये क्राउड से आपको कुछ एक्सपेक्टेड आवाज़ें सुनने को मिली, बिल्कुल भाई ये पूरी की पूरी एलविश आर्मी जिन्होंने सिस्टम करके रखा और हमारी स्पीच को बीच में ख़त्म करवा दे इन्होंने। इसके बाद हम जाते हैं डिसेंट रूम के अंदर, जहाँ का क्राउड एकदम शांत काम, और बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे ज्वाइन किया फ्रॉम दिस क्लास, जो कि बहुत अच्छे भी थे, उनको बहुत टैलेंटेड थे, उन्होंने काफ़ी लाइक मीडिया टीम में भी काफ़ी रोल प्रेजेंट किया था अपना। इसको तो लगता है भाई प्यार हो गया कैमरा से, मैं तो सामने खड़ा हूँ, मेरे से नहीं हो भाई। तो इस तरीके से हमने उन्हें समझाया, उधर से हमने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को भी उठाया जिन्होंने काफ़ी अच्छा एक बैकबोन की तरह काम किया हमारे पूरे स्पर्धा के टाइम पे। बेस्ट मीम सब हम लोग पोस्ट करेंगे अपने 12.9K वाली है। ये काफ़ी झूठे वादे हमने बताए जिनका कोई जाके लास्ट में कोई तोड़ नहीं निकला। यस सर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी लोगों को जैसे रोड बनते ही सबके स्नैप सबकी इंस्टाग्राम भरी हुई थी ना, रोड से बारिश आ गई, फिर बारिश आ गई और रोड की वो पानी हो गई, चमकदार हो गई एकदम। तो प्लीज डू दैट फॉर स्पर्धा, आप कोई भी मोमेंट कैप्चर करें, प्रैक्टिस का हो गया, आपका डिस्कशन चल रहा है, मेकिंग अ रील या मेकिंग अ वीडियो, ये वाला हैशटैग यूज करो एंड देन पोस्ट इट, विल ट्रैक इट, तो बेस्ट होगा, दे ऑब्वियसली गेट सम। और इसी तरीके से हमने काफ़ी बच्चों को थोड़ा इन्फ्लुएंस करके और अपने लोग को ख़त्म करते हैं। इसके अंदर हमने कुछ लास्ट नंबरों में उसमें एक्टिविटीज़ भी करवाई, क्योंकि आप देख सकते हैं सामने से कुछ ट्रेलर्स बनाए जो आपको निम्स यूनिवर्सिटी के पेज में दिखाई दे जाएंगे। और इसमें काफ़ी अच्छे लेवल की इन्होंने एक्टिंग दिखाई, बी टेक स्टूडेंट्स हैं इनसे और क्या एक्सपेक्ट करें।